स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी टेक्निकल एकेडमी। टुडे विल डिस्कस स्ट्रेस एंड इट्स टाइप। राइट, अगर हम स्ट्रेस की बात करते हैं तो स्ट्रेस होता क्या है? इन डेफिनेशन, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज स्ट्रेस। बॉडी डिफॉर्मेशन ना हो इसके लिए इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप करती है और वो रेजिस्टेंस कहलाता है स्ट्रेस। अब ये डिफॉर्मेशन होता क्यों है? डिफॉर्मेशन होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ लोड। लोड लगाएंगे तो बॉडी क्या करेगी? डिफॉर्म करेगी। और डिफॉर्म ना होने देना ये क्या कहलाता है? स्ट्रेस। नाउ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। वी हैव नॉर्मल स्ट्रेस, एक्सियल, बेंडिंग, शियर स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बी टॉर्शनल स्ट्रेस। राइट, सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द नॉर्मल स्ट्रेस। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, और इस नॉर्मल स्ट्रेस में हम बात करेंगे एक्चुअल स्ट्रेस की। हम बात करेंगे एक्चुअल स्ट्रेस। एक्चुअल स्ट्रेस कहो, डायरेक्ट स्ट्रेस कहो, या longitudinal स्ट्रेस कहो, ऑल आर सेम थिंग। राइट, तो जब भी हमारे किसी मेंबर पर हम लोड लगा रहे हैं, वी हैव टू टाइप्स ऑफ लोडिंग कंडीशन, टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। बाहर की तरफ जब लोड लगेगा तो कहलाएगा टेंसाइल, और जब ये लोड एरो अंदर की तरफ आएंगे तो कहलाएगा कंप्रेसिव। जब हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं पी और पी डैश, वेयर P is equals to P dash, तो बॉडी विल ट्राई टू इलांगेट। बॉडी इलांगेट होना चाहेगी, लेकिन इलांगेट ना होने देना ही स्ट्रेस कहलाता है। तो लेट अस टेक दिस मेंबर, ये मेंबर लिया और ये मेंबर यहां से ब्रेक हुआ, तो जो लोड लगेगा वो P यहां लगेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो इस पार्ट पे लग रहा है, वो लग रहा है F, where we can say that P is equals to what? F. So what is stress? Internal resistance offered by the body is known as stress, or internal resistance कौन है? ये F है, जो F इस P के बराबर होगा। Got it? अब ये stress कहां पे लग रहा है? ये stress लग रहा है इसके cross sectional area पे, इस body के cross sectional area पे, इसका cross section है, यहां पर stress लग रहा है ये एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो स्ट्रेस क्या कहलाएगा? सिग्मा इज इक्वल टू व्हाट? मैथमेटिकली इट इज लोड अपॉन एरिया, लोड अपॉन एरिया। तो सिग्मा इज इक्वल टू, वी कैन राइट व्हाट इज लोड? लोड वी हैव पी, पी अपॉन ए, वेयर पी इज इक्वल टू व्हाट? एफ। अब इसकी यूनिट क्या होगी? P is in Newton, area is in meter square, तो sigma की यूनिट हो जाएगी Newton per meter square, right? Now, this is all about normal stress, actual stress, direct stress और longitudinal stress, जो आप चाहे वो इन्हें कह सकते हैं। Now we'll discuss about the shear stress. Shear stress होता क्या है? अभी तक हमने बात करी जो बॉडी के क्रॉसल एरिया पे नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल ये मेरी बॉडी है और इस बॉडी के नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है वो क्या कहलाता है? एक्चुअल स्ट्रेस, डायरेक्ट स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लेकिन वही फोर्स अगर सरफेस पर लग रहा है, अगर मैं सरफेस पर फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, दैट फोर्स इज नोन एज
shear force, and then the stress developed to resist this force or resist the deformation, that is known as shear stress. Right? So let us take an example. Now we talk about shear stress. Shear stress, we talk about direct shear stress. Right? So we have an element or a body like this, which has a bolt in it. जिसमें बोल्ट हमने लगा रखा है, राइट? अब हम यहां फोर्स लगा रहे हैं, वी आर अप्लाइंग फोर्स एफ एंड एफ डैश, राइट? व्हाट विल हैपन? अब ये जब इसको इधर से लोड लगाएंगे तो रेजिस्टेंस कहां डेवलप होगा? इस एरिया पे, इस एरिया पे. दैट मीन्स दिस इज द डायमीटर ऑफ दिस बोल्ट, इस बोल्ट का डायमीटर यहां पर डेवलप होगा. तो अगर हम इसको डिफॉर्मेशन के टर्म में बात करें तो ये क्या होगा साहब? ये इस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा. ये आपका प्लेन है, शियर प्लेन. ये आपका लग रहा है एफ डैश और ये लग रहा है आपका एफ. तो ये यहां से डिफॉर्म होगा, राइट? सो विल टॉक अबाउट दिस एरिया, विल टॉक अबाउट दिस एरिया. तो शियर स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं बाय टाउ, और इस टाउ को मैं लिख सकता हूं टाउ इज इक्वल टू व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया. विच एरिया? शियर एरिया. तो इसका भी यूनिट क्या होगा साहब? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इट कैन बी रिटन एज पास्कल.